नमस्कार दोस्तों, सूफी गानों से अपनी पहचान बनाने वाले सिंगर कैलाश खेर 47 साल के हो चुके हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1973 को मेरठ में हुआ था। कैलाश ने 11 साल पहले 14 फरवरी 2009 को मुंबई बेस्ड स्टूडेंट शीतल भाल से शादी की थी। शादी के 2 साल बाद कैलाश बेटे के पिता बने। बता दें कि कैलाश खेर की वाइफ दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। वो कद में कैलाश खेर से थोड़ी लंबी है। कैलाश खेर जहाँ 5 फीट 2 इंच के हैं, वहीं उनकी पत्नी की हाइट 5.5 फीट है। बता दें कि मेरठ के रहने वाले कैलाश के पिता कश्मीरी पंडित थे और लोक गीतों में उनकी रुचि थी। यही वजह थी कि कैलाश ने भी 4 साल की उम्र से ही गाना गाना शुरू कर दिया था। हालांकि बचपन से ही सूफियाना आवाज़ के मालिक कैलाश के लिए आगे की राहें आसान नहीं थी। 1999 में कैलाश खेर ने दोस्त के साथ हैंडीक्राफ्ट बिजनेस शुरू किया, लेकिन उन्हें इसमें भारी नुकसान हुआ। सदमे में आकर कैलाश ने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। बता दें कि कैलाश ने 14 साल की उम्र में संगीत की ट्रेनिंग के लिए गुरु की तलाश में घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद वो ऋषिकेश आकर बस गए और गंगा तट पर साधु संतों के साथ मिलकर भजन मंडली में हिस्सा लेने लगे। इतनी छोटी उम्र में कैलाश के लिए बाहर रहना आसान नहीं था। अपना खर्चा निकालने के लिए वो बच्चों को म्यूज़िक ट्यूशन देने लगे। साल 2001 में कैलाश मुंबई चले आए और यहाँ आकर काम काज तलाशने लगे। छोटे मोटे कई प्रोजेक्ट करने के बाद कैलाश खेर को साल 2003 में आई फिल्म अंदाज में रब्बा इश्क ना होवे गाना गाने का मौका मिला। हालांकि उन्हें असली पहचान फिल्म वैसा भी होता है 2 के गाने अल्लाह के बंदे से मिली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एल्बम तेरी दीवानी से वो घर घर में मशहूर हो गए। बता दें कि अब तक कैलाश खेर 700 से ज़्यादा गाने गा चुके हैं। वो 10 साल से पूरी दुनिया में करीब 1000 से ज़्यादा म्यूजिक कंसर्ट में परफॉर्म कर चुके हैं। वहीं साल 2017 में भारत सरकार ने कैलाश खेर को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था।